मक्का मदीना में होता है हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव, अगर नियम तोड़ा तो होता है ये। दोस्तों आपका स्वागत है रहस्यमैक्स YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ, किस्से और बहुत सी रोचक जानकारी, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए रहस्यमैक्स YouTube चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। आइए जानते हैं इस जानकारी को विस्तार से। दोस्तों मक्का मदीना पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा कर हर मुसलमान खुद को धन्य समझता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना वर्जित क्यों है। कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना पहले एक हिंदू धर्म स्थल था, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जेदाह शहर एक प्रमुख बंदरगाह और हवाई रूट का एक मुख्य केंद्र है। ऐसे ही लोग जेदाह से मक्का जाने वाले मार्ग की तरफ रुख करते हैं। वहाँ जगह जगह निर्देश लिखे हैं कि यहाँ मुसलमानों के सिवा किसी गैर धर्म का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। इन सूचना पट्टों पर लिखा होता है कि यहाँ काफिरों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब काफिर के स्थान पर गैर मुस्लिम शब्द लिख दिया गया है। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो काफिर शब्द की परिभाषा अभी विवादों के घेरे में है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय PN ओक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिखते हैं कि जिस तीर्थ को मुसलमान मक्का कहते हैं वो पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ मौजूद है। हज यात्री आज भी संगे अस्वद, अर्थात संग मतलब पत्थर और अस्वद का मतलब होता है काला, यानी उसी काले पत्थर को पूजते और चूमते हैं। वेंकटेश पंडित लिखित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण के एक प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का वर्णन भी कर चुके हैं, जो अन्य रामायणों में नहीं मिलता है। शिव ने रावण को युद्ध में विजयी होने के लिए मक्केश्वर महादेव देते हुए कहा था कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन जाते समय इसे रास्ते में धरती पर कहीं मत रखना। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तभी कुछ ऐसे हालात बने कि उसे शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा। रावण ने शिवलिंग को खूब उठाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उठा। वेंकटेश पंडित के अनुसार वर्तमान में ये स्थान मक्का में स्थित है। अरब मोहम्मद पैगम्बर से पूर्व इस शिवलिंग को लात कहा जाता था और इस काले शिवलिंग की पूजा की जाती थी। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में है। इस्लाम के प्रचार प्रसार से पहले इसराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, लेकिन दोस्तों इसे आज भी विवादास्पद तथ्य के रूप में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में पवित्र गंगा का स्पष्ट उल्लेख, जहां शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की कल्पना की जाती है, काबा के पास एक पवित्र झरना पाया जाता है। इस्लाम की स्थापना से पहले भी इस पानी को पवित्र माना जाता रहा है, जिसे इस्लाम में आबे जमजम कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने भारत ही नहीं बल्कि इराक के बगदाद और सऊदी अरब के मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार करेगा और इस्लाम धर्म में विश्वास रखता होगा वही यहाँ जा सकता है, यानी कि यहाँ जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा रोचक वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि मक्का मदीना में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। अगर आपके पास भी मक्का मदीना से जुड़ी हुई कोई रोचक जानकारी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों आपके राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जुड़े रहिए रहस्यमैक्स YouTube चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।